रहीम, आज एक बहस जो थोड़ा हटकर है, आपने पढ़ी होगी, जमीर फसल के हवाले से। जमीर फसल के हवाले से मैं थोड़ी सी बात आपके सामने अर्ज करूंगा कि जमीर फसल कहाँ आती है और फिर इसकी तरकीब हमने कैसे करनी है। इस हवाले से याद रखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि मुब्तदा की खबर मारिफा आ जाती है। मुब्तदा तो होता ही मारिफा है, लेकिन कभी उसकी खबर भी मारिफा आ जाती है, समझे। अब अगर मुब्तदा और खबर दोनों ही मारिफा आ जाएं, तो इस केस में जुमले में इश्तिबा पैदा हो जाता है। वो क्या? वो ये कि ये तो दोनों ही मारिफा है, मुब्तदा भी मारिफा है, खबर भी नकरा है। खबर भी मारिफा है, खबर तो आमतौर पर नकरा होती है। अगर दोनों ही मारिफा हो जाएं, तो अब इसमें इश्तिबा पैदा हो गया कि जब दोनों ही मारफा आगे हैं, फिर तो ये मौसूफ सिफ्त होने चाहिए, समझे। अब मुब्तदा खबर बनाए, ये भी एहतमाल मौजूद है। मौसूफ सिफ्त बनाए, ये भी एहतमाल मौजूद है। दोनों एहतमाल मौजूद हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, अल्लाहुल कदीर, अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाहुल कदीर। अब अल्लाहु मुब्तदा, अल कदीरु खबर, अब दोनों ही मारफा हैं। जब दोनों मारफा हैं, इश्तिबा पैदा हो गया कि इसको मौसूफ सिफ्त बनाए, ये भी एहतमाल मौजूद है। इसको मुब्तदा खबर बनाए, ये भी बन सकता है, समझे। अब इस इश्तेबा को कैसे खत्म करें ताकि पता चल जाए कि ये मुब्तदा खबर है, ये मौसूफ सिफ्त नहीं है, समझे। तो फिर इस सूरत हाल में किया यूं जाता है कि मुब्तदा और खबर जब दोनों मारिफा आ रहे हों, इनके बीच में एक जमीर लाई जाती है जिस जमीर के दो नाम हैं। एक नाम है जमीर फसल और दूसरा नाम है जमीर फैसल। जमीर फसल भी इसको बोलते हैं, जमीर फैसल भी इसे बोलते हैं। ये लाई जाती है बीच में जमीर। ये जमीर फसल, ये निशानी होती है इस बात की कि ये दोनों मारिफा मुब्तदा खबर हैं, ये दोनों क्या नहीं है, ये मौसूफ सिफ्त नहीं है। क्योंकि मौसूफ और सिफ्त के दरमियान में कोई तीसरी चीज नहीं आ सकती, उसमें जमीर या कोई और फासला आ ही नहीं सकता मौसूफ और सिफ्त के बीच में, समझे। तो मौसूफ सिफ्त तो हो नहीं सकता, तो फिर क्या बन जाएगा, मुब्तदा खबर, समझे। तो जब मुब्तदा और खबर दोनों ही मारिफा हो जाएं, तो फिर इस केस में चूंकि जुमला इस्मिया का भी इस्तेमाल है, मुरक्कबे तौसीफी का भी पूरा पूरा इस्तेमाल मौजूद है, समझे। तो फिर मौसूफ सिफ्त के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए इन दोनों के बीच में जमीर फसल लाई जाती है, जो कि एक करीना और अलामत और निशानी होती है इस बात की कि ये मुब्तदा खबर है, मौसूफ सिफ्त नहीं है। अल्लाहुल गनी, अगर अल गनी को खबर बनाना है, अल्लाहु को मुब्तदा बनाना है, दोनों ही मारफा है, तो फिर क्या बोलेंगे, अल्लाहुल कदीरु, फिर क्या बोलेंगे, अल्लाहु हुवल कदीर। अब ये हुक्म आ गया बीच में, जमीर फसल,
अब ये निशानी है इस बात की कि ये अल्लाहुल कबीर मुब्तदा खबर है, ये मौसूफ सिफत नहीं है। कुरान मजीद में भी इसकी मिसाल आती है, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, मुत्तकियों के बारे में, यही मुत्तकी हिदायत कामयाब है। अब ये मुब्तदा खबर है, अब उलाइक इसमें इशारा, ये भी मारफा, अल मुफ्लिहून खबर ये भी मारफा। अब कैसे पता चलेगा कि ये मुब्तदा खबर है या मौसूफ सिफत है, क्योंकि दोनों ही मारफा है। समझे, मुब्तदा खबर का भी इस्तेमाल है, मौसूफ सिफत का भी इस्तेमाल है। तो अल्लाह ताला बीच में जमीन फसल लेकर आ गए, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। समझे, ये निशानी है इस बात की कि ये मुब्तदा खबर है, ये मौसूफ सिफत नहीं है। यहाँ जुमला पूरा हो गया, यही लोग कामयाब है। और जमीर फसल के हवाले से याद रखिएगा, ये जमीर फसल मुब्तदा के मुताबिक आती है, जमीर होती है मुब्तदा की तरफ लौटती है और मुब्तदा के मुताबिक आती है। अब अल्लाहु हुवल कदीरों में अल्लाह मुफरद था, मुजक्कर था, तो जमीर फसल हुआ आगे। और उलाइका हुमुल मुफ्लिहून में मुब्तदा उलाइका है, जो कि जमा इसमें इशारा है। समझे, जमा मुजक्कर इसमें इशारा है, तो हुम जमीर जमा मुजक्कर की आ गई मुब्तदा के मुताबिक। तो जमीर फसल मुब्तदा के मुताबिक आएगी, वो मुजक्कर ये मुजक्कर, वो मुफरद ये मुफरद, वो जमा तो ये जमा आ जाएगी, वो मुफरद तो ये मुफरद आ जाएगा। ये चंद बातें थी जमीर फसल के हवाले से। अब अल्लाहु हुवल कदीर में ये जो हुआ जमीर है, ये जमीर फसल भी कह सकते हैं इसको, और जमीर फैसल भी। तो जमीर फसल क्यों कहते हैं, फसल का माना होता है फासला। तो इस जमीर ने, और ये जो जमीर होती है ये मुब्तदा और खबर के दरमियान फासले के लिए आती है। मुब्तदा खबर के दरमियान से फासला कर दिया, ये बोलते हैं ना कबाब में हड्डी, तो इसलिए इसको जमीर फसल बोलते हैं। दूसरी वजह ये भी बन सकती है, बाज़ उलमा ने फरमाया फसल का लोग भी माना होता है काटना, जुदा करना। तो इस जमीर ने जो इसमें मौसूफ सिफ्त वाला भी इस्तेमाल था, उसको काट दिया, जुदा कर दिया, खत्म कर दिया, इसलिए जमीर फसल है। ये दो वजह आ गई जमीर फसल की। अच्छा, जमीर फैसल क्यों बोलते हैं, फैसल का लोग, फैसल का माना होता है फैसला करना, फैसला करने वाला। तो ये जमीर भी फैसला करने वाली है, किस बात का, कि ये मुब्तदा खबर है, मौसूफ सिफत नहीं है, क्योंकि मौसूफ सिफत के दरमियान में जमीर फसल नहीं आ सकती, कोई भी जमीर नहीं आ सकती। तो गोया इस जमीर ने फैसला कर दिया मुब्तदा और खबर का। तो जब फैसला कर दिया तो जमीर फैसल बन गई, क्योंकि फैसल का माने क्या होता है, फैसला करने वाला। तो कितने नाम हो गए, दो, जमीर फसल भी और जमीर फैसल भी। और क्यों इसको बोलते हैं जमीर फसल, वजह तस्मिया भी आ गई, क्यों बोलते हैं जमीर फैसल, वजह तस्मिया भी आ गई, इसकी वजह भी आपके सामने आ गई। और ये जमीर मुब्तदा के मुताबिक होगी, और ये जमीर वहां आएगी जहां मुब्तदा और खबर दोनों मारफा हो। समझे, तो वहां फिर ये जमीर फसल आएगी। ये मुख्तसर सी तफसील थी जमीन फसल के हवाले से जो मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। अब अगर इसकी तरकीब मैं आपके सामने करूं, अल्लाहु हुवल कदीरो, जो भी हमने पढ़ा, अब ये हुआ जमीन फसल की दो
दो तरकीबें आती हैं, ये जरा अच्छे तरीके से समझ लेना है आपने। अल्लाह अल्लाह हुवल गनी, मुक्तदा खबर मैंने अर्ज किया अभी आपके सामने, आम तौर पर मुक्तदा मारफा होता है और खबर नकरा होती है, ठीक है। आम तौर पर रूटीन यही है, मौसूफ सिफ्त जो है ना वो दोनों ही मारफा होंगे या दोनों ही नकरा होंगे, मुक्तदा खबर मुक्तदा मारफा खबर नकरा, इसीलिए तो यहाँ इज्तिमा पैदा हो गया कि दोनों मारफे हैं तो मुब्तदा खबर कैसे बन गए। खबर तो आम तौर पर नकरा होती है, ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन आलिमुन, समझे। अब आलिम नकरा है, ज़ैद मारफा है, ज़ैदुन आकिलुन, अब देखो ना ज़ैद मारफा है और आकिलुन नकरा खबर बन जाए। खबरें आप जहां भी देखेंगे आम तौर पर आपको वो नकरा नजर आएगी, आम तौर पर ऐसा ही है। लेकिन अब क्या मुब्तदा नकरा वाकया हो सकता है? आप हजरात ने अगर नहव के बारे में पहले पढ़ा हो, इस नहव को पढ़ा हो, तो इस बारे में उलमा ने लिखा है, हाँ नकरा मुब्तदा नहीं बन सकता, मगर उस वक्त बन सकता है जब इस नकरा में कुछ ना कुछ तख्सीस आ जाए, समझे, कुछ ना कुछ खास हो जाए। अब वो कुछ ना कुछ खास कैसे होता है, वो कई तरीके से होता है, मैं एक तरीका आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर उस नकरा के साथ कोई सिफत लग जाए, अब सिफत की वजह से वो नकरा कुछ खास हो जाएगा, अब मुब्तदा बन जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी बरकत से मिसाल भी कुरान मजीद से जेहन में आ गई, वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलो अअजबकुम। अच्छा ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि निकाह अगर करना है तो निकाह मोमिन बंदे से करना चाहिए, मोमिन बंदा बेहतर है मुशरिक और काफिर से, अगरचे देखने में काफिर तुम्हें कितना ही अच्छा, कितनी ही क्वालिटीज और कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलो अअजबकुम, समझे, क्यों मोमिन क्यों बेहतर है, काफिर क्यों बदतर है? इसलिए कि उलाइक यदउन इलन नार, ये लोग काफिर लोग तुम्हें जन्नम की तरफ बुला रहे हैं, हमेशा हमेशा की तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं ये मुशरिक और काफिर लोग। और वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल्लाहु यदउ इलल मग़फिरति, अल्लाह तो तुम्हें जन्नत और मग़फिरत की तरफ बुला रहा है, इसलिए अल्लाह ताला पहले से ही तंबीह फरमा रहे हैं कि काफिर और मुशरिक देखने में कितना ही अच्छा क्यों ना लगता हो, फिर भी मोमिन बंदा अगर जो देखने में उससे कितना ही कमतर क्यों ना लगता हो, फिर भी मोमिन ही बेहतर है मुशरिक से, देखने में ये कितना ही कमजोर और वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, समझे। बजाय तो ये बुरा वो अच्छा लग रहा है, लेकिन दर हकीकत ईमान वाली दौलत इसमें मौजूद है, उसमें नहीं है, इसे अल्लाह फरमा रहे यही बेहतर है उससे। अब इस मिसाल में वला अब्दुन अब्दुन, अब अल अब्दु नहीं है, अब्दुन है, नकरा है और मुब्तदा बन रहा है, क्यों, क्योंकि इस केस में इस नकरा सिफ्त भी आ रही है, इसलिए नकरा मुब्तदा बन रहा है। वला अब्दुन मुमिनुन, ये मुमिनुन सिफत है अब्दुन नकरा की, अब्दुन नकरा की सिफत क्या आ रही है, मुमिनुन, अब ये मौसूफ सिफत मिलकर मुब्तदा बन गया, अब कुछ ना कुछ तख्सीस आ गई। अगर हम कहते हैं ना गुलाम, तो गुलाम में तो काफिर गुलाम भी आ जाते थे, मोमिन भी आ जाते थे, फर्ज कर लो 250 काफिर हैं, 250 मुसलमान हैं गुलाम, तो अगर हम गुलाम कहते तो 500 ही मुराद हो जाने थे, जबकि वाला अब्दुम मोमिनुन तो कुछ खास हो गया, काफिर गुलाम निकल गए उनकी बात नहीं हो रही, मोमिन गुलामों की बात हो रही है, तो कुछ खास हो गया, समझे।
अब ये मतलब ओके बनेगा अब्दन मौसूफ मोमिनुन सिफ्त मौसूफ सिफ्त मिलकर मुब्तदा आगे खैरुन में मुशरिकिन ये खैरुन खबर बन गया और मुब्तदा की खबर मरफू होती है इसलिए रफा आ गया इसके ऊपर। तो मालूम हुआ नकरा मुखस्सिसा जब किसी जरिए से नकरा में कुछ तख़सीस आ जाए तो वो भी मुब्तदा बन सकता है, वरना आम नकरा जिसमें कुछ भी तख़सीस ना आए वो मुब्तदा नहीं बन सकता। अब तख़सीस कितने तरीके से आ सकती है वो एक मुस्तकिल पूरी बहस है, मैंने एक तरीका जिक्र कर दिया है कि उसके साथ अगर सिफत लग जाए उससे भी नकरा कुछ खास हो जाता है। खाली गुलाम कहते काफिर मोमिन सारे गुलाम मुराद होते हैं, जब आब्दुन के साथ मोमिन कहा तो काफिर निकल गए मोमिन वाले रह गए तो कुछ खास हो गया गुलाम ये मुब्तला बन जाए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने मिसाल दी थी आपको, मैं एक तरकीब कराना चाह रहा हूँ, ये जरा गौर से सुनना, ये बड़ा एक अहम टॉपिक है जो अभी मैं वजाहत करूंगा और इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि इस अंदाज में वजाहत हो कि इसकी पूरी तफसील आपके साथ इसका खाका खुल जाए आपके सामने। अब आप देखें अल्लाहु हुवल कदीरु इसकी तरकीब क्या होगी, अल्लाह तो मुब्तदा अल गनी खबर, अब हुआ जो जमीर फसल है इसकी क्या तरकीब करनी है। देखिए अल्लाहु इस्मुल जलालती इस्मुन मौरबुन सहीहुन ये इसम है फेल और हरफ नहीं है, मौरब है मबनी नहीं है अल्लाह और सही है समझे, नाकिस है वावी यही है अलफी नहीं है। तो इस्मुन मौरबुन सहीहुन मुब्तदा उन अल्लाहु क्या है मुब्तदा मरफून और मरफू है, इस्मुन मौरबुन सहीहुन मुब्तदा उन मरफून ये तो अल्लाह हो गया। आगे इसके बाद आ गया हुआ, ये हुआ की क्या तरकीब होगी, हुआ जमीर इसके दो तरकीबें हो सकती हैं, एक तरकीब तो ये है कि ये हुआ जमीर फसल है ला महल लहू मिन अल इराब इसका कोई इराब नहीं है समझे, ये समझो ये सिर्फ मुतना खबर के दरमियान फासला करने के लिए आई है और ये कुछ भी नहीं है तरकीब के लिहाज से, बस इसको बोलेंगे जमीर फसल ला महल लहू मिन अल इराब कोई इराब ना ये मुब्तदा है ना ये खबर, अगर ये मुब्तदा होता तो महलन मरफू होती खबर होती तो मरफू होती वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं है। अलगनी खबर है अल्लाह मुब्तदा हुआ जमीर फसल ला महल लहू मिन अल इराब अलगनी खबर मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ बात खत्म हो गई। एक तरकीब तो ये मैंने अल्लाह की तरकीब आपके सामने कर दी, आगे देखें हुआ हुआ जमीरु फसलिन मबनी अलल फतह आपने पढ़ लिया सारी जमीरें मबनी होती हैं, हुआ के आखिर में जबर आ रही है मबनी अलल फतह है, हुआ जमीरु फसलिन मबनी अलल फतह ला महल लहू मिन अल इराब ला महल लहू मिन अल इराब का क्या माना है, ये ना मुब्तदा बन रहा है ना ये खबर बन रहा है ना ये इन्ना का इसम बन रहा है कुछ भी नहीं बन रहा समझे, अगर ये मुब्तदा होता ना तो हुआ तो फिर हम क्या कहते हुआ जमीर फसल मुब्तदा महलन मरफू है क्योंकि मुब्तदा मरफू होता है, लफ्जन तो पेश नहीं आती उसके ऊपर क्योंकि मबनी है, लेकिन महलन मरफू होता अगर ये मुब्तदा होता तो हमने क्या कह दिया ये कुछ भी नहीं है ला महल लहू मिन अल इराब ये निकल गया। बाकी इसके बाद जो आया अल-क़दीरु इस्मुन मुअरबुन सहीहुन खबरुन मरफूउन अब ये मुब्तदा की खबर है और मरफू है तरकीब खत्म हो गई। अब हुआ क्या है, हुआ समझो है मगर नहीं है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ फासला डालने के लिए आया बाकी उसका कोई काम नहीं है ना वो मुब्तदा ना वो खबर ना वो कुछ और है वो सिर्फ जमीर फसल वो बात खत्म हो गई। दूसरी तरकीब ये दो तरकीबें की जाती हैं जमीर फसल की, दूसरी तरकीब ये की जाती है लफ्ज अल्लाह मुब्तदा हुआ जमीर फसल मबनी अलल फता
और ये क्या है, ये मुबतदा सानी है। लफ्ज़ अल्लाह मुबतदा अव्वल और हुआ मुबतदा सानी है, इसको दोबारा मुबतदा बना लो। और आप मुझे बताएं, जब ये हुआ मुबतदा बन गया तो मुबतदा का क्या इराब होता है? अरे हुआ क्या बन रहा है तरकीब में? मुबतदा, मुबतदा होता है मरफू। जब मुबतदा मरफू होता है तो अब ये, हाँ माशाल्लाह, तो अब ये हुआ बन गया मुबतदा, और हुआ जमीर है और जमीर मबनी होती है, तो लफ्जों में तो रफा आ नहीं सकता, वो तो हुआ ही रहेगा, हुवो नहीं पढ़ सकते। तो जो मबनी के ऊपर जो इराब आता है ना, उसको हम बोलते हैं महलन मरफू है। महलन मरफू का क्या माना? ये महल बोलते हैं जगह को, ये हुआ ये रफा की जगह में है, रफा के महल में है। क्या माना? इसकी जगह अगर कोई नकरा होता तो उसके ऊपर रफा आ जाता, पेश आ जाती, ये माना महल। इस पर नहीं आ सकती क्योंकि मबनी है। मबनी का इराब तो आमिल के बदलने से नहीं बदलता, तो क्या बोलेंगे? महलन मरफू है। कौन? मुबतद, ये हुआ। तो क्या इराब? हुआ मुबतदा सानी महलन मरफू। आगे अल कदीरु, ये खबर होगी हुआ की जो मुबतदा सानी है। फिर हुआ मुबतदा अल कदीरु अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर ये पूरा जुमला खबर बना किसकी? अल्लाह की। और पहली तरकीब में अल कदीरु मुफरद सिफत बन रहा था, जुमला नहीं, हुआ जमीर फसल उसका कोई इराब नहीं, वो महलन मरफू नहीं था क्योंकि मुबतदा खबर कुछ भी नहीं बन रहा था। यहाँ हुआ मुबतदा है, महलन मरफू है। अल कदीरु ये हुआ की खबर, ये पूरा जुमला इस्मिया ये खबर है किसकी? अल्लाह की। समझ आ गई बात? अब इस दूसरी तरकीब को हम किस तरह करेंगे? अल्लाह इस्मुल जलालती इस्मुन सहीहुन मुब्तदाउन, ये भी मुब्तदा बन गया। आगे हुआ ज़मीरुन मुनफसिलुन, ज़मीरुन मुनफसिलुन मबनीयुन अलल फतहि फी महल रफ़इन मुब्तदाउन सानिन। फिर देखिए, हुआ ज़मीरुन मुनफसिलुन, जमीर मुनफसिल है, मबनी अल फतह, आखिर में हुआ जबर आ रही है ना, इसीलिए कहती है मबनी अल फतह है, लेकिन ये जगह में किसकी है? फी महल रफ़ रफा की जगह में है। क्यों? है तो जबर, लेकिन ये रफा की जगह में है, महलन मरफू है। क्यों? क्योंकि मुब्तदा उन सानिन, क्योंकि मुब्तदा सानी है। और आगे अल कदीरु इस्मुन मुरबुन सहीहुन खबरुन मरफूउन बिजम्मतिन जाहिरतिन। इसके ऊपर जो जम्मा आ रहा है वो जाहिरी आ रहा है, वो महलन मरफू नहीं है, ये जाहिरन लफ्जन मरफू है, जाहिरी तौर पर मरफू है। ठीक है। वल जुमलतु मिन अल मुब्तदा इस्सानी व खबरिही, ये अब पूरा जुमला मुब्तदा यानी हुआ और उसकी खबर यानी अल कदीरु मुब्तदा सानी अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर खबरुल मुब्तदा इल अव्वली, ये पहले मुब्तदा अल्लाहु की खबर है, अल्लाहु मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तरकीबों में फर्क क्या हो गया? अब ये बात है, बड़ी नुक्ते वाली बात अब आने लगी है आखिर में। फर्क क्या हो गया दोनों? पहली तरकीब में हमने अल कदीर ही को खबर बनाया है मुब्तदा की, अल्लाह की, जबकि दूसरी तरकीब में इसके बजाय खाली अल कदीर मुफरद खबर नहीं बन रहा, बल्कि हुवल कदीर पूरा जुमला इस्मिया खबर बन रहा है अल्लाह की। ये फर्क हो गया। फायदा क्या हो गया? दोनों सूरतों में अल्लाहु हुवल कदीरु ही रहा, तो चाहे उस मुफ़्त को खबर बना लो, चाहे पूरे जुमले को खबर बना लो, इस इख्तिलाफ का फायदा क्या हो गया? समरा क्या जाहिर होगा, फायदा क्या जाहिर होगा? कहने लगे, हाँ, इस इख्तिलाफ का फायदा और समरा ये जाहिर होगा, इसमें फर्क ये है
कि अगर इसी जुमले में इससे पहले हम कोई फेल एंड नाकिस लगा लें, ये बात समझ नहीं आपने। जैसे मिसाल के तौर पर काना लगाए, ठीक है ना, काना हमने लगा दिया, अल्लाह हुवल कदीर था ना, तो उससे पहले काना लगा दें तो कान अल्लाह ये बन गया ना। अब अल्लाह तो काना का इसम बन गया। अब पहली तरकीब में हुआ तो जमीर फसल है, ला महल लहू मिन अल इराब, इराब के एतबार से कुछ भी नहीं है, सिर्फ फासले के लिए है। अल कदीरु मुफरद ही खबर बन रहा है। अब आप मुझे बताइए, तो काना का इसम अल्लाह बन गया, तो काना की खबर के ऊपर क्या इराब आता है बताइए? काना की खबर का क्या इराब आता है? हाँ मनसूब, माशाल्लाह। काना की खबर क्या होती है? मनसूब। जब काना की खबर मनसूब होती है तो हम क्या पढ़ेंगे? कान अल्लाहु हुवल गनिया, क्योंकि हुआ तो समझो उसका होना ना होना दोनों बराबर है, वो मुबतदा खबर कुछ भी नहीं है वो, ठीक है ना। तो लफ्ज अल्लाह इसम बन गया काना का, और अल कदीरा ये क्या बन गया? ये खबर बन गया काना की, ये मुफरद खबर बन गया। तो कान अल्लाहु हुवल कदीरा यूं पढ़ेंगे हम, यानी खबर के नसब बिल फतह के साथ इसको पढ़ा जाएगा। जबकि दूसरी तरकीब में हमने क्या कहा था कि ये हुआ मुबतदा है और अल कदीरु इस हुआ की खबर है। जब हमने काना लगाया, कान अल्लाहु हुवल कदीर, अब ये अल कदीर ये खबर है हुआ की, और हुआ मुबतदा था तो मुबतदा की खबर तो मरफू होती है, तो फिर कान अल्लाहु हुवल कदीरु ये पढ़ेंगे, क्योंकि अल कदीरु हुआ मुबतदा की खबर है। फिर हुआ मुबतदा अपनी खबर से मिलकर पूरा जुमला खबर बन रहा है किसकी? काना की। तो जुमला तो मबनी होता है, उसके ऊपर तो नसब जाहिर नहीं होगा, तो इस केस में अल कदीरु पर पेश ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये हुआ की खबर है, ये काना की खबर नहीं। काना की खबर तो पूरा जुमला है और जुमला मबनी होता है, उसके ऊपर नसब जाहिर नहीं होगा, तो कान अल्लाहु हुवल कदीरु पढ़ेंगे दूसरी सूरत में, समझे? क्योंकि इस केस में, इस दूसरी सूरत में वो हुआ, ये अल कदीरो ये हुआ की खबर है, ये काना की खबर नहीं है। और पहली तरकीब में अल कदीरो दूसरी तरकीब जो है ना, उसमें बिल्कुल आपने सही कहा, हुआ महलन मंसूब नहीं, पूरा जुमला महलन मंसूब है, क्योंकि इस केस में पूरा जुमला काना की खबर बन रहा, खाली हुआ खबर नहीं बन रहा, हुवल कदीरो ये खबर बन रहा है, अल्लाह ताला वो कदीर है ये माना है, तो पूरा जुमला खबर बन रहा है, लिहाजा पूरा जुमला, जुमला मिन हैसुल जुमला भी मबनी होता है, तो पूरा जुमला महल्लन मंसूब है, पूरा जुमला खाली हुआ नहीं। पता नहीं समझ आई या नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुलासा यही हो गया, पहली तरकीब में अल कदीरो काना, अल कदीरा काना की खबर है, और दूसरी सूरत में अल कदीरो हुआ की खबर है, दूसरी तरकीब में ये फायदा जाहिर होगा। अगर हम इसको मुबतदा बना रहे हैं हुआ को, तो फिर इस केस में अगर कोई फेले नाकिस दाखिल हो जाता है, तो फिर उस सूरत हाल में अल कदीरों के ऊपर पेश ही रहेगा, चाहे वो काना का इसम बन जाए। समझ आ रही है, नहीं आ रही? और अगर इसको हुआ को मुबतदा नहीं बना रहे, तो फिर काना की खबर मनसूब होती है, फिर अल कदीर डायरेक्ट खबर बन गया काना की, तो कान अल्लाहुल कदीरा, समझे? ये काना, ये जमीर फसल के हवाले से तफसील हो सकती थी, जो कि आम तौर पर हमारे यहाँ ये पूरी तरह वजाहत के साथ नहीं आती, तो आज जी में ख्याल आया इसकी मैं वजाहत आपके सामने कर दूं, और अल्लाह की तौफीक के साथ, अल्लाह की हिम्मत के साथ
मुख्तसर वक्त में हमने जो तफसील हो सकती थी वो मैंने आपके सामने अर्ज कर दी है।